नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापत एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SSI फर्नीचर डीरणा में। फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करेंगे कि सोफा किस प्रकार से बनाया जाता है। वैसे दोस्तों, मैंने सोफा बनाने के बारे में दो तीन वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर रखा है। उन सारी वीडियो पर आप लोगों का काफी अच्छा प्यार और सपोर्ट मिला, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखेंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में जो हम सोफा बनाने जा रहे हैं वो दो सीट का सिंपल सोफा बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो सोफा आप जब भी बनाते हो तो उसका आपको मेजरमेंट कर लेना। जैसा कि आप नजदीक से दिखाइए, यहाँ पे ये हमारा जो सोफा बनने वाला है इस जगह बनने वाला है। अभी यहाँ पे धूप है, शायद धूप की वजह से आपको परफेक्ट तरीके से दिखाई नहीं दे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ मेजरमेंट। देखिए, यहाँ से हम सोफा बनाएंगे तो इस सोफे का जो हमारा मेजरमेंट है, यहाँ से देखिए, नजदीक से आ जाइए, थोड़ा नजदीक आ जाइए। यहाँ से देखिए, ये जो हमारा दीवार है यहाँ तक हम बनाएंगे तो ये हमारा 62 इंच यहाँ पे हमारी जगह आ रही है। तो हम क्या करेंगे, 62 इंच, देखिए 62 इंच में से हम 12 इंच माइनस करेंगे। किस चीज का? 6 इंच का हमारा हैंडल इस साइड आएगा और 6 इंच का हैंडल हमारा उस साइड आएगा। ये जो हैंडल का साइज है 6 इंच का, ये फॉर्म सहित है, तो हम जो हैंडल बनाएंगे वो 4 इंच का बनाएंगे। हैंडल के इस साइड में और इस साइड में दोनों साइड पर फॉर्म लग कर ये 6 इंच का हो जाएगा। तो 12 इंच हम माइनस कर लेंगे, जो अभी हमारा सोफा बनेगा वो 50 इंच का बनेगा। तो 50 इंच का हम सोफा बना लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, नीचे का हमने फ्रेमिंग बना के रेडी कर लिया है। अगर इसके साइज की बात करें तो 30 इंच इसकी देखिए इस प्रकार से चौड़ाई है, और लंबाई की मैंने आपको पहले बता दिया 50 इंच इसकी लंबाई है। और ये जो फ्रेम है इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसकी जो हाइट है वो हमने 5.5 इंच कटिंग की है। इसके ऊपर पौना इंच का टॉप आएगा और पौना इंच का इसके नीचे लगेगा, तो ये हमारा टोटल 7 इंच हो जाएगा। अभी ये 5.5 है, पौना इंच इसके ऊपर, पौना इंच इसके नीचे, तो टोटल इसका 7 इंच हो जाएगा। और उसके बाद में 4 इंच के इसके सोफा लेग लगाएंगे। ये जो सोफा लेग आप देख सकते हैं, ये 4 इंच के सोफा लेग हमारे, ये इसके नीचे लगाएंगे हम। तो इसकी जो टॉप की टोटल हाइट होती है वो 11 इंच होनी चाहिए। कभी भी आप किसी भी प्रकार से, चाहे सोफा लेग 3 इंच का लगाओ चाहे 6 इंच का लगाओ, हाइट आपको जो इसकी टोटल जो हाइट है वो 11 इंच रखनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको इसका फ्रेमिंग बना लेना है। तो यहाँ पर हमने 5.5 इंच का फ्रेम बनाया है, 30 इंच की इसकी चौड़ाई है, और लंबाई की बात करें तो 50 इंच इसकी लंबाई है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर सबसे पहले टॉप इसका फिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, फाइनली यहाँ पर हमने जो टॉप है हमारा उसको फिक्स कर लिया, और अब हम क्या करेंगे, इसको पल्टी कर लेते हैं इस प्रकार से। इसके नीचे की साइड में आप देखिए, यहाँ पर हम 6 इंच का पट्टा लगाएंगे। तो ये जो 6 इंच का पट्टा रहेगा आगे और पीछे दोनों साइड में हम लगाएंगे, जिसके ऊपर जो हमारा सोफा लेग होता है वो फिक्स हो जाएगा। बीच के अंदर यहाँ पर हम 3x3 जगह छोड़ के सोफा लेग फिक्स करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 18 mm प्लाईवुड में से 6 इंच का पट्टी लगाएंगे। तो फ्रेंड, ये जो आप पट्टी लगाते हो नीचे, ये आपको 18 mm का प्लाईवुड में ज़रूर लगाएं, क्योंकि सोफा लेग इसी के ऊपर फिक्स होगा। तो कभी भी अगर आप इस प्रकार का सोफा बनाते हो तो उसके नीचे 18 mm का प्लाईवुड ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पर हमने 6 इंच के पट्टे दोनों साइड आगे और पीछे साइड में यहाँ पर फिक्स कर लिए, और अब ये देखिए, ये जो हमारा पट्टा है 6 इंच का, तो हम यहाँ पर सोफा लेग लगाएंगे 3 इंच इस साइड से और 3 इंच इस साइड से छोड़ के। यहाँ पर हम होल निकालेंगे सेंटर में, और उसके बाद वहाँ पर सोफा लेग, ये देखिए, ये जो हमारा सोफा लेग है यहाँ पर फिक्स कर देंगे। और फ्रेंड अगर इसके साइज की बात करें, देखिए ये हमारा 7 इंच हो गया है, 5.5 का हमने फ्रेम बनाया था, और 1.5 इंच का टॉप और 1.5 इंच का जो हमारा नीचे का पट्टी मिला के 7 इंच हो गया। और उसके बाद जो सोफा लेग हमारा लगेगा 4 इंच का, तो इसको मिला के जो टोटल हाइट है वो 11 इंच रहेगी। सात इंच का हमारा स्ट्रक्चर हो गया और 4 इंच का हमारा सोफा लेग, टोटल हाइट 11 इंच हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जो है 5 इंच का फॉर्म आने वाला, तो टोटल हाइट इसकी 16 इंच रहेगी। उसके अकॉर्डिंग अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हम सोफा लेग फिक्स कर लेते हैं। तो सोफा लेग फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड से कॉर्नर से 3x3 का निशान लगाएंगे, और जो सेंटर आएगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, 8 mm से होल करेंगे। ये जो आप बीच का स्क्रू देख रहे हैं ये यहाँ पर अंदर फिक्स हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हम चारों कोनों पर निशान कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे 8 mm ड्रिल बिट से यहाँ पर होल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर 8 mm ड्रिल बिट से हम होल निकाल लेते हैं। इसके अंदर जो हमारा सोपा लेग के अंदर जो सेंटर का जो स्क्रू होता है बड़ा नट बोल्ट होता है जिसकी सहायता से हमारा जो सोपा लेग फिक्स होता है तो वो इसके अंदर अंदर बैठ जाएगा और साइड से हम चार चार स्क्रू लगा देंगे तो अच्छे से वो फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको होल निकालना बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड इस प्रकार से हम सोपा लेग फिक्स कर लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड फाइनली हमारा सोपा लेग लगकर तैयार है और अब हम क्या करते हैं इसको एकदम सीधा रख लेते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको सीधा कर लिया है और अगर अब मैं आपको एक बार साइज चेक करवा देता हूँ। ये देखिए अगर इसकी हाइट देखें तो टोटल यहाँ पे देख सकते हैं आप टोटल हाइट इसकी 11 इंच हो गई है और इसके बाद इसके ऊपर 5 इंच का फॉर्म आ जाएगा तो टोटल हाइट इसकी 16 इंच हो जाएगी। तो फ्रेंड ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर नीचे का ढांचा रेडी कर लिया। अब हम क्या करेंगे इसके पीछे साइड में बेड शीट लगाएंगे तो वो हमने रेडी करके रखी है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए तो फ्रेंड देखिए ये हमने पीछे की बेड शीट हमने बना के रखी है। अगर इसके साइज की बात करें तो ये आपको बनाना था 20 इंच इसके ऊपर से ये 20 इंच होना चाहिए और यहाँ से आपको 6 इंच होना चाहिए इस प्रकार से 6 इंच और इस प्रकार से हाइट में ये 20 इंच होना चाहिए। ऊपर से आपको 5 इंच छोड़ देना है और ये हमारा जो इस प्रकार से 6 इंच है तो 5 इंच छोड़ने के बाद आपको यहाँ से हमारा 6 इंच रहना चाहिए और यहाँ से 2 इंच रहना चाहिए। इस प्रकार से इसको क्रॉस कटिंग कर लेना है और इस प्रकार से हम फ्रेम बना लेनी है। तो ये हमने फ्रेम बना लिया लंबाई में जो हमारा सोफा का साइज रहेगा उसी साइज में रहेगा और उसके ऊपर आपको इस प्रकार से 4.25 इंच के टुकड़े लगा लेना। अगर आपका ये 0.25 इंच का है मेरे कहने का मतलब है जो हमारा टॉप होता है टॉप से ये 5 इंच छोड़ना चाहिए क्योंकि 5 इंच का फॉर्म आएगा तो 5 इंच के आपको यहाँ पे टुकड़े लगा लेना है। तो ये हम पर हमने 4.25 इंच के टुकड़े लगाए और 0.25 इंच का ये नीचे का हो गया तो कुल मिला के 5 इंच हो गया। अब हम क्या करते हैं इसको फिक्स कर लेते हैं। तो जो सामने की जगह बचेगी हमारी यहाँ पे देखिए ये 24 इंच जो जगह बचेगी सिटिंग के लिए तो हम क्या करते हैं इसको फेवको लगा के फिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड कील में हमने फिक्स कर लिया। अभी हम स्क्रू और लगाएंगे क्योंकि ये हमारा ऊपर से है तो कभी भी ऐसा हिलना नहीं चाहिए। हालांकि ये नहीं हिल रहा फेविकोल लगा दिया और अच्छे से कील भी मार दी फिर भी हम स्क्रू और लगाएंगे ताकि ये मजबूत रहे। तो फ्रेंड यहाँ पे स्क्रू लगा लिया। अब हमने जो यहाँ पे 4.25 इंच के टुकड़े लगाए हैं यहाँ पर प्लाईवुड लगाएंगे तो ये प्लाईवुड लगाने इसके बाद क्या होगा यहाँ पे हम बेडशीट आसानी से लगा सकते हैं और पीछे जो ये गैप रहेगा इसके अंदर से जो हमारा फोम का जो कपड़ा है वो पीछे की साइड में आसानी से खींच सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए ये प्लाईवुड हमने फिक्स कर लिया और ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ये स्पेस है 5 इंच का। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्म आने वाला है इसके अंदर से जो हमारा कपड़ा पीछे साइड में आ जाएगा और ये जो जगह बची है यहाँ पे देखिए ये 0.16 इंच तो यहाँ पर हमारा 12 mm का बेड शीट लगेगा।
फ्रेंड देखिए फाइनली हमने बेड शीट लगा लिया है और अब अगर इसके टोटल हाइट की बात करें तो ये देखिए इसका जो टोटल हाइट है वो 31 इंच की टोटल हाइट है और एक इंच इसके ऊपर फॉर्म आ जाएगा 32 इंच इसकी टोटल हाइट रहेगी। और ये जो सीटिंग के लिए आप देख सकते हैं ये जो हमारा 24 इंच यहाँ पे जगह है तो ये हमारा हो गया। अब हमारा काम बचा इसका हैंडल लगाने का। तो फ्रेंड देखिए हैंडल हमने पहले से तैयार करके रखा है। ये हमारा अभी 3.5 इंच का है और 12 mm का हमारा इधर से लगेगा इस प्रकार से। ये देखिए ये हमारा बाद में लगेगा इस प्रकार से। तो ये 4 इंच का हमने हैंडल बनाया। पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपको अगर 6 इंच का हैंडल बनाना है तो 1 इंच का फॉर्म इस साइड आएगा और 1 इंच का इस साइड आएगा, 2 इंच का फॉर्म प्लस 4 इंच का हैंडल, तो टोटल 6 इंच की टोटल इसकी जो मोटाई हो जाएगी। इसलिए कभी भी आप अगर हैंडल बनाते हो जो भी आप साइज बनाओ चाहे 6 इंच बनाओ चाहे 8 इंच बनाओ तो उससे आपको 2 इंच छोटा आपको जो हैंडल बनाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 6 इंच का हैंडल बनने वाला है तो हमने यहाँ पे 4 इंच का हैंडल बनाया है। ये देखिए इस प्रकार से। तो हमने क्या किया ये हमने 3 इंच का फ्रेमिंग बनाया था। ये देख सकते हैं ये 3 इंच की हमारी फ्रेमिंग बनाई हुई है इसकी और इसके ऊपर हमने 12 mm का प्लाईवुड इस साइड लगाया। और अब हम क्या करेंगे इसको एक साइड से हमने फिक्स कर लिया। अगर इसकी साइज की बात करें तो लंबाई में हमने जो हमारा सोफा की लंबाई है जैसे ये हमारी सोफा की लंबाई 30 इंच है तो हमने इसको 30 इंच रखा है और हाइट के अंदर ये हमारा 20 इंच है। तो कभी भी आप सोफा बनाते हो तो आपका जो हैंडल का साइज है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका जो टॉप है टॉप से आपका 13 इंच ऊपर हैंडल रहना चाहिए। यहाँ से आपका जो हैंडल है 13 इंच रहना चाहिए और उसके बाद जो नीचे का आपका हैंडल यहाँ से रहेगा तो इसको आपको साथ में काउंट कर लेना है। तो ये हमारा देखिए टोटल 20 इंच हो रहा है। तो यहाँ पर हमने 20x30 का यहाँ पर हैंडल बना के रखा है। अब हम क्या करेंगे इसको एक बार के लिए इस प्रकार से यहाँ पे कच्चा फिक्स कर लेंगे इस प्रकार से। तो फ्रेंड देखिए नीचे से हम लेवल में रखेंगे और सामने का जो भाग है वहां से भी इस प्रकार से लेवल में रख लेना है और एक बार आपको कच्चा कील में इसको फिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड देखिए इसको हमने कच्चा कील में फिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे अंदर की साइड से देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो अंदर की साइड में जो हमारा ये देखिए इस प्रकार से आपको निशान कर लेना है पेन से। यहाँ पे जो है इस प्रकार से आपको निशान कर लेना है। ये निशान हमें क्यों करना चाहिए। अब हम क्या करेंगे इस निशान से इस साइड में और इस निशान से नीचे हम 18 mm का एक टुकड़ा लगाएंगे प्लाईवुड का। वो क्यों लगाना चाहिए क्योंकि जब देखिए यहाँ पे हमारा फॉर्म आएगा तो फॉर्म और इसके लेवल में आना चाहिए, इससे बाहर फॉर्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हमारा इसके ऊपर 5 इंच का फॉर्म आएगा तो 5 इंच के ऊपर 1 इंच नहीं होना चाहिए, इसके लेवल से बाहर ही इसका फॉर्म रहना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 18 mm का प्लाईवुड टुकड़ा लगाएंगे। शायद आपको समझ में नहीं आएगा। अब वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे, मैं आपको अभी पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। यही देखिए हमने यहाँ पे निशान कर लिया। अब हम क्या करते हैं इस हैंडल को एक बार खोल लेते हैं, थोड़ा नजदीक से दिखाइए। तो फ्रेंड देखिए ये जो निशान हो गया हमारा, अब हम क्या करेंगे ये जो भाग है यहाँ पर हम क्या करेंगे 18 mm प्लाईवुड का टुकड़ा लगाएंगे एक। तो चलिए वो टुकड़ा लगा लेते हैं और उसके बाद हम इसको नट बोल्ट की सहायता से फिक्स करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर हम देखिए 7 इंच का जो हमारा निशान था अब यहाँ पर हम ये टुकड़ा 18 mm प्लाईवुड का फिक्स कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो 18 mm प्लाईवुड का टुकड़ा है वो फिक्स कर लिया है और अब जो यहाँ पर हमारा फॉर्म आएगा तो फॉर्म और ये एक लेवल में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ तक हमारा फॉर्म आएगा जिस प्रकार से ये खांचा है यहाँ पे, तो इसके अंदर फॉर्म आएगा और बाकी यहाँ से सीधा डायरेक्ट इसके ऊपर से कपड़ा आ जाएगा। तो ये पूरा दिखने में एक लेवल दिखेगा, अप डाउन नहीं दिखेगा। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं इसको एक बार वापस कच्चे कील में इसको फिक्स करेंगे इस प्रकार से और उसके बाद हम इसमें अंदर 8 mm ड्रिल बिट से होल निकाल के जो हमारे नट बोल्ट है नट बोल्ट की सहायता से इसके अंदर फिक्स कर देंगे। देखिए एक बार हमने यहाँ पे क्या किया इसको कच्चे कील में लगा लिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर होल निकालेंगे 8 mm ड्रिल बिट से। अंदर की साइड से आप देखिए
अंदर की साइड से ये 18 mm इस प्रकार से रहेगा। तो जो हमारा फॉर्म रहेगा, इस जो हैंडल है हमारा, हैंडल का फॉर्म रहेगा, तो यहाँ से इसका एक इसका फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा और हमारा सीट है तो इसका फॉर्म यहाँ तक आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से एल शेप में डायरेक्ट ये फॉर्म दिखेगा। तो यहाँ पे खटके भी नजर आएगा आपको। तो अब हम इसके अंदर 8 mm ड्रिल बिट से होल निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने होल निकाल लिया और अब हम क्या करते हैं, हैंडल को वापस निकाल लेते हैं। अब जो ब्रांड है हमारे 3 इंच नट बोल्ट है, हम क्या करेंगे इसको इस प्रकार से अंदर से डाल देंगे और यहाँ पर जो हमारा ये बोल्ट है इसको टाइट कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद आपको क्या करना है, पकड़ या पन्ना की सहायता से एकदम अच्छे से इसको टाइट कर देना है। तो फ्रेंड देखिए, बोल्ट हमने इसमें टाइट कर लिए है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा सोफा के अंदर जो ये होल है, ये देखिए ये जो होल है, यहाँ पर हम क्या करेंगे 18 mm बिट से कोटेशन डाल देंगे ताकि ये जो देखिए इसका जो ये बोल्ट है, ये जो बाहर रहता है, ये इसके अंदर फिक्स हो जाना चाहिए, अंदर जाना चला जाए ताकि जो हमारा हैंडल इसके प्रॉपर तरीके से इसके अंदर चिपक जाए। तो हम यहाँ पर 18 mm स्लिप बिट होता है तो उसे हम यहाँ पे हल्का सा कोटेशन डाल देंगे। ये देखिए ब्रेंड, ये हमारे पास 18 mm का त्रिशूल बिट है, इसे हम कोटेशन डाल देंगे। ये देखिए ये जो बोल्ट होता है ये इसके अंदर फिक्स हो जाना चाहिए इस प्रकार से, इतना आपको कोटेशन डाल देना। तो ये हो गया। देखिए फ्रेंड, जो हमने होल निकाला था इसके अंदर इस प्रकार से इसको फिटिंग कर देना है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड, ये हमारे एकदम परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बैठ गया। और अब हम क्या करेंगे, ये जो बोल्ट है हम नीचे से टाइट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, अब हम क्या करेंगे, इस बोल्ट को इस प्रकार यहां से नीचे से टाइट कर देंगे इस प्रकार से। तो फ्रेंड देखिए, ये हमने टाइट कर दिया, अब जो हमारा हैंडल है वो एकदम परफेक्ट तरीके से फिक्स हो गया है। तो फ्रेंड देख सकते हैं, जो हमारा हैंडल है वो एकदम परफेक्ट तरीके से फिक्स हो चुका है, हमने अंदर से टाइट कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, इसके जो बाहर का जो प्लाईवुड है उसको फाइनली फिक्स कर सकते हैं। तो उसको हम फिक्स कर लेते हैं। उसको हमने कच्चा इसीलिए रखा था ताकि ये बोल्ट फिक्स करने में ईजी रहे। तो अब हम क्या करते हैं, फेविकोल लगा के ये जो हमारी प्लाईवुड है यहाँ बाहर का, उसको फिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, फाइनली जो हमारा सोफा का हैंडल है वो फिक्स हो गया। ये देखिए, इसकी साइज 4 इंच है और इसके ऊपर से यहाँ से देखिए, ये जो हमारा टॉप है, टॉप के ऊपर से इसकी हाइट है वो 13 इंच है और इसकी टोटल जो हाइट है वो देख सकते हैं आप 20 इंच है। तो ये हमारा हैंडल बनकर तैयार हो गया एक साइड, और दूसरी साइड का हैंडल देखिए इस प्रकार हमने यहाँ पे तैयार करके रखा है, ये देख सकते हैं आप। तो इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं। पकड़ बराबर। Okay.
तो फ्रेंड देख सकते हैं फाइनली जो हमारा सोफा है वो बनकर तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं इस प्रकार से आप सोफा बना सकते हैं। फ्रेंड फाइनली हमारा सोफा बनकर तैयार हो चुका है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल SSI फर्नीचर योना को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे सेट जरूर कर ले, ताकि जैसे ही हमारी न्यू वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगी। फ्रेंड मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।